अजब पंचायत गजब कहानी, नाली निर्माण तो कराया लेकिन नाली का पानी निकासी का रास्ता नहीं निकाला, और गजब है वो इंजीनियर जिसने इस निर्माण को पास भी कर दिया। हम बात कर रहे हैं मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर पटना की, जहां पंचायत एक तरफ निर्माण कराने में महारत हासिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की समस्या दूर न कर निर्माण कर लोगों को और परेशानी में डाल रहा है। आपको बताते चलें, बाजार पारा स्थित वार्ड नंबर 6 और 7 से नाली निर्माण कार्य कराते हुए वार्ड 20 में लाकर छोड़ दिया गया, जिसका पानी निकासी के लिए आगे कोई व्यवस्था पंचायत ने नहीं कराई, जिस कारण से पानी रुकने से उस जगह पर गंदी बदबू और कीड़े मकोड़े और मच्छर पनप रहे हैं। उस रास्ते से बदबू के कारण राहगीरों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है, साथ ही स्थानीय व्यापारी और निवासियों को इस बदबू के बीच रहना पड़ रहा है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोगों को कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी होना पड़ सकता है। इस बात को लेकर लोगों में जब नाराजगी देखी गई तो पंचायत ने 2 माह पूर्व हुए नाली निर्माण में ट्रैक्टर से नाली को मुरम से भरवाने लगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत का प्रतिनिधि किस प्रकार शासन का पैसा दुरुपयोग करने में लगे हैं। आप टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक तरफ पंचायत की 2 अलग अलग तस्वीरें, दोनों जगह नाली निर्माण के बाद पानी निकासी का कोई व्यवस्था पंचायत ने नहीं की है। ऐसी लापरवाह पंचायत की जांच कर कार्यवाही करने का भी लोगों ने मांग की है। पंचायत ने नाली निर्माण करा दिया पर नाली निस्तार के लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं बनाया, जिससे ग्रामवासी काफ़ी परेशान हैं। यहाँ के राहगीर भी परेशान हैं, जो आने जाने वाले लोगों को लगातार बदबू और नाली के जो कीड़े मकोड़े मच्छर हैं उससे परेशानियाँ हो रही हैं। और सबसे तारीफ काबिल तो उसकी है इंजीनियर की, जिन्होंने इस नाली निर्माण को पास कर दिया। महज 2 महीना हुआ है नाली निर्माण हुए और यहाँ पे गंदगी का आलम ऐसा है जो लोगों को यहाँ लोग यहाँ पे परेशान हैं। यहाँ पे कुछ हमारे स्थानीय ग्रामीण हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद अंसारी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? ये पानी जमा हो गया और मच्छर मक्खी दुनिया भर में पैदा हो रहे हैं, और इससे दुकानदारों को भी परेशानी हो रहा है कि सामने दुकान सामने पानी जमा हो जा रहा है। साथ साथ क्या है कि नाली का पानी तो आता तो ठीक है, इसमें लेटरिन का भी पानी आ रहा है ना, इसके चलते और दिक्कत हो रहा है। तो हम इस वक्त पटना पंचायत में हैं, जहाँ पे नाली निर्माण का जो है लगातार यहाँ पे राजकीय ग्रामीणों में देखा जा रहा है, और पंचायत की उन्होंने शिकायत भी की है लेकिन पंचायत की टीम दुकानों में दूर नहीं है। और अधिक जानकारी चाहिए और यहाँ पे व्यापारी हैं, व्यापारी से बात करते हैं। किस प्रकार की समस्या है और क्या परेशानी है पंचायत से? ये अभी नाली 2 महीना पहले निर्माण हुआ था, इसका निस्तार कहीं नहीं है। जब पंचायत को पता है कि इसका निस्तार नहीं है तो नाली का निर्माण ही कराना चाहिए था। अब निर्माण करा के पूरे मार्केट में गंदा पानी बह रहा है और हर व्यापारी यहाँ से परेशान है। अब ये गंदगी इससे परेशान है, पंचायत से मुरुम आया है। पहले शासन ने इसको बनाया पंचायत ने, अब इसे बढ़वाया जा रहा है। डबल पैसा, पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। कुल मिला के पंचायत जो है पैसे का यहाँ पे गंदा बात कर रही है। यहाँ पे और भी हमारे पास हैं जो व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताएं? जावेद। यहाँ पे पंचायत को लेकर काफ़ी शिकायतें हैं, आप लोग की क्या शिकायत है जानकारी में? नियम को ताक में रखते हुए बनाया गया है भाई, इसका पानी निकलने का कोई साधन ही नहीं है। इसे पहले निकलने का साधन बनाना था तो वो नहीं करके उल्टा गंगा बहा रहे हैं, ये गंदगी अखबार है दुकानदार का। काम नाली के निर्माण कितने दिन का लेगा? 2 महीना। और दोनों महीना में आलम है कि मुरम कितनी किराया है बताओ? डबल पैसा इसमें चाहिए ना, एक बार नाली बनने का पैसा निकला है, एक बार काटने का पैसा लेंगे। पंचायत का डबल फायदा, बिजनेस चल रहा। तो देखा आपने यहाँ पे लगातार पंचायत के खिलाफ यहाँ पे विरोध हो रही है, क्योंकि पंचायत ने जो है अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए जो ग्रामीणों को पैसा उपयोग करना था उस पैसा उपयोग किया है, इसकी नाराजगी यहाँ पे ग्रामीणों में है। कैमरा मैन से कहूँगा इस बार पूरे नाली का यहाँ पे वीडियो दिखाएं। ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं पंचायत पटना की है, जहाँ पे नाली निर्माण की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं, नाली निर्माण तो करा दिया गया है पर नाली का पानी जो है उसके निस्तार के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया है। और जब ग्रामीणों ने इसका विरोध करना चाहा तो उल्टा मुरुम ला के नाली को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। कैमरामैन हफीज के साथ न्यूज़ 21 राजू खान।